अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल मोइज़ और आप देख रहे हैं एमोइज़ बाइक्स एंड गेमिंग्स। बाइक्स रिव्यू के साथ गेमिंग की, जैसे पिछली वीडियो मेरी आई थी होंडा सिविक एक्स ऑफ रोडिंग टेस्ट पा, जिसमें माउंट शील्ड तक गए थे। अब बारी है टोयोटा करोला 2015 की। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो टोयोटा करोला जो इसका फेस लिफ्ट आया था उसकी आएगी। अब गाड़ी सारी देख सकते हैं, सनरूफ भी है इसमें, जबकि वो सिविक नॉन ओरियल थी, ये सनरूफ वाली है। इंटीरियर आपको दिखा देते हैं, मीटर भी चलता है। चलिए इसके साथ हम अपनी राइड करते हैं स्टार्ट। मुझे लगता है शायद ये गाड़ी ऊपर ना आ जाए, क्योंकि हालांकि मैं कह रहा था कि गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बेहतर है, लेकिन पता नहीं दिल मगह रहा है कि ये गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी। इसका वेट ज्यादा है इंजन के हिसाब से, क्योंकि ये गेम के अंदर भी 1300 सीसी है। ये पता नहीं लैग क्यों हो रही है गाड़ी। अब हम आपको मिलते हैं जहां फ्यूल फिल करवाना है। इसके अंदर फ्यूल तो डलवाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके साथ हम फ्यूल डलवाने के लिए पहुंच गए हैं। मुझे खैर इसकी आवाज इतनी ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। मैं आपको गाड़ी के हुक वगैरह सारी चेक कराता हूँ। इसका ट्रंक और हुक नहीं खुलती, ये देखें। जैसे फ्यूल फिल होता है मैं दोबारा वापस बैक आता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स फ्यूल फिल हो चुका है, अब हम चलेंगे। फ्रेंड मुझे लगता है नहीं ऊपर चढ़े, क्योंकि बैक व्हील ड्राइव है। हमारे पास टाइम हो रहा है, सुबह के 10 बजने वाले हैं। क्या ख्याल है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर मैं मिशंस दोबारा स्टार्ट करूं। लेकिन ये ओ माय गॉड, शेर आके लगने लगा था अंदर। फ्रेंड्स मुझे इसकी आवाज नहीं पसंद आई। ये देखे ना, अनबैलेंस हो रही है गाड़ी हाई स्पीड में। चलें गुजारा तो करते ही होते हैं। करोला नाम की चीज तो डली हुई है ना कम से कम। ये बताएं गेम की लैग हुई है, शायद वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उस वजह से लैग हुई है, होनी नहीं चाहिए। चलें इसको फिक्स तो करें जो टूट गई है। फ्रेंड्स मुझे अभी कमेंट करके बता दें कि क्या ये चढ़ेगी या ना नहीं चढ़ेगी। अगर चढ़ेगी तो ही हम इसको लेके जाएंगे इतना ऊपर तक। ये गाड़ी पता नहीं अंडर पावर क्यों बहुत ज्यादा फील हो रही है। अच्छा बॉडी बड़ी है, इंजन छोटा। मैंने इसके इंजन पावर्स भी इस तरह की रखी है। ये इसमें 1300 सीसी के इंजन ही है। वैसे शेप अल्टिस वाली है।
मैंने रियल लाइफ में वो सिविक भी चलाई है और ये भी चलाई है। मुझे सिविक ज़रा कंफर्टेबल लगती है लेकिन ये ज़रा ऊंची ज़्यादा है, मतलब उससे भी कार ले बेहतर है। हम जंगल में पहुंच गए हैं, हमारी ऑफ रोडिंग अब स्टार्ट होने लगी है। स्टार्ट हुई नहीं और गिरना भी शुरू हो गए। ये ऑफ रोडिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याला चलो यही तो चढ़ जाए। करोला की जो इससे पिछली शेप थी ना, पिछला मॉडल, वो भी मेरे पास है और इसका फेसलिफ्ट भी है। अगली वीडियो फेसलिफ्ट पे आएगी, फिर उसके बाद रिबॉन पे आएगी, उससे भी रिबॉन पे। मुझे लगता ही नहीं है चढ़े गाड़ी। ये देखो मेरी गेम ही फंसा दी इस गाड़ी में। ऐसे इस गाड़ी के ग्राफिक्स बहुत हाई हैं, अब कम से कम भी 4GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए इस गाड़ी के लिए। मैं 2GB ग्राफिक कार्ड में चला रहा हूँ। जा रही है गाड़ी, जा रही है, जा रही है, जा रही है। मुझे नहीं लगता चढ़ेगी ऊपर। देखा वही बात हुई ना, नहीं चढ़ी। हम थोड़ा सा एरिया स्किप कर देते हैं। फ्रेंड्स स्किप पार्ट किया क्योंकि जोर जोर लगा के बहुत मुश्किल से मैंने गाड़ी चढ़ाई दी थी। फ्रेंड्स अब मेरा वादा है कि मैं बकायदगी से वीडियोस बनाऊंगा। फिर ये तो इधर भी जान लगा रही है गाड़ी। चढ़ेगी फ्रेंड्स, ये गाड़ी तो बिल्कुल ही सिटी यूज या हाईवे यूज के लिए ठीक है, ये नहीं ऊपर चढ़ सकती, ये हार गई है। अब इसको हम दूसरी ऑफ रोडिंग में लेके चलते हैं। फ्रेंड्स ये असल में ना अपनी तरफ से इंजन की पावर से ज्यादा लगा रही है, उस वजह से चढ़ने में नाकाम हो रही है। असल में वीडियो लैग होने की मेरी सबसे ज़्यादा वजह जो पिछली वीडियो थी वो बिल्कुल भी लैग नहीं हुई थी, लेकिन वो इस एडिट होके ना जो एक्सपोर्ट होती है ना और फाइनल होके बाहर निकलनी है वो हो रही है। अब इस गाड़ी को इधर देखते हैं कि ये चढ़ती है कि नहीं। Oh my God! हेलो फ्रेंड्स, इसके रिम्स तो इतने प्यारे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों ये जवाब दे रही है चढ़ने से। फ्रेंड्स मुझे बस सब्सक्राइब चाहिए, मेरी तरफ से आप जो उनसी मर्जी रिक्वेस्ट करो, मैं अपनी इंतहा की कोशिश करूंगा उसको पूरा करने में। मुझे लगता है यहाँ भी नहीं चढ़नी इसको, लेकिन नॉर्थ यहाँ कॉर्ड जाना पड़ना है, उधर चलेगी। इम्तिहान आ गया और सामने नजर आ रही है वही वाली पहाड़ी जहाँ सिविक फंस गई थी, लेकिन सिविक निकल गई थी इसके तो मुझे 1% भी उम्मीद नहीं निकले। नहीं निकलने की 1%, मुझे 0.1% भी नहीं उम्मीद। फ्रेंड्स ऊपर ही अब मिल, फ्रेंड्स वो एरिया क्रॉस कर लिया, ये हम आ गए छोटी झील के पास। मुझे एक कमेंट आया था पिछली वीडियो में, भाई जो छोटी वाली झील पे क्यों नहीं उतरे आप,
ये लो इधर भी भाई उतर जाते हैं, नहाना ही है जितना मर्जी से नहा लें। ये बहुत छोटी सी है, ये तकरीबन इतनी हाइट पे है। अब गाड़ी की तरफ वापस चलते हैं। गाड़ी लॉक हो जाती है? नहीं, अनलॉक है अभी भी। अब लॉक अनलॉक हो गई। आप सब फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट होगी तो उस हिसाब से मेरी वीडियोस आएंगी GTA 5 के ऊपर, क्योंकि अब ज़्यादा गेमिंग के ऊपर आएंगी, कार बाइक्स की कम आएंगी। इसका बम्पर भी अगला टूट गया है, अरे फिक्स करते हैं गाड़ी को। व्हीकल फिक्स, सही होगी। फ्रेंड मुझे लगता है इसने आगे दोबारा फिर फंस जाना है। फ्रेंड एक तो वो हाइट है, ऊपर से वहां से टर्न होती है, बंदा स्पीड से लाग के जब टर्न करने लगता है स्लिप करके आगे की निकल जाती है। मुझे तो गाना याद आ रहा है, मैं तेरा नाम बताऊं किसको। ये अल्लाह खैर, बस क्रॉस हो जा, हो गया हो गया हो गया। फ्रेंड्स जा रही है गाड़ी ऊपर को। मुझे लगता है वीडियो मेरी कंप्लीट एडिट हो गई, क्योंकि अब लैग होना बंद हो गई है। बस पहुंच गए हैं। आखिर ये गाड़ी पहुंच गई, लेकिन वो माउंट शील्ड पे ये चढ़ने में नाकाम रही थी। अब ग्राफिक्स चेक कर सकते हैं गेम में। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि कंप्लीट हो गई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।